हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y27 फ़ोन है, तो वीवो Y27 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो Y27 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोन की पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को आप ऑटो रिस्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे, तो इसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको स्लाइड करके सिस्टम सेटिंग्स पर जाना है। इसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास से ऑप्शन आ गया है, बैक करना है। बैक करते ही आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर जाना है, फिर आपको एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना है, यहाँ से आपके पास से मेन्यू सेटिंग्स आ जाती है, इसको ओपन कर लेना है। तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको ऑन कर देना, अलाउ कर देना है। ऑन करते ही शॉर्टकट आइकन्स आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पावर आइकन्स पर जाना है, इसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इमरजेंसी कॉलिंग्स पर क्लिक करते तो इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पावर ऑफ करना चाहें या रिस्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से भी पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो Y27 फ़ोन में। और साथ में देखते हैं कि आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शंस मिल जाता है, ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप बिना बटन्स का यूज़ करें इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं वीवो फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।